इनको रोक के होता बताओ, इनको रोक के होता बताओ, प्यार ना मैं सभी को बात करूं, सभी कोई दिक्कत तो वे नहीं, हां मैं बता दूं इनके इनसे बात हो गई, मैं बताओ अगर कोई भी मतलब अपराधी सत्ता है हमें बताओ, हमारे तो लगातार बूथों पर चेकिंग की जा रही है, किस तरह का माहौल है? मैं तो थोड़ा धन्यवाद कर दें और तुसी हर सारा एपीसोड देखे जिन्ने दिन इलेक्शन चल रहा सी, ते और जे जे पी की चाबी के निशान की जित है और जिन्हें कैंडीडेट छतरी के निशान थे उन्होंने बहुत वड्डी जित है। सर अभी आप जायजा लेने पहुंचे तो उस समय यहां के पुलिस प्रशासन का आपके कैंडिडेट के साथ? हम तो शांति में चाहते हैं सारा कुछ, हमारे तो बूथों पर ड्यूटी महिलाओं की लगाई हुई है, आप देख सबसे ज़्यादा इकट्ठ भी जे जे पी के बूथों और बीजेपी की है और हम चाहते हैं भी हमारे तो बूथों में लेडीज़ काम कर रही है, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि महिलाएं जब बूथों पे काम कर रही है, क्योंकि ये पूरी नैना सिंह चौटाला जी की टीम है, महिला को 50% हक दिलाने का काम भी किया है और हमारी महिलाएं भी आपने देखा है यहाँ बूथों पे काम कर रही है, तो जब महिला होगी तो शांतमय ऑटोमेटिक होगा। तो अभी जीजीपी के कैंडिडेट को प्रशासन की तरफ से धमकाया है, हमारा हाँ हमारा कैंडिडेट भी महिला है और हमारी यहाँ टीम भी महिलाओं की लगी हुई है और शरीफ सारे लोग हैं, जब महिला ड्यूटी कर रही है तो आपको मालूम ही है शांतमय तरीके से होगा। हम तो ये कह रहे हैं जो कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टियों वाले जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको ही कहना चाह रहे हैं भी इलेक्शन शांतमय तरीके से होना चाहिए। जी, बहुत-बहुत। तो ये थे यहाँ से जिला अध्यक्ष जेजेपी के, हालांकि मौके का जायजा लेने ये पहुंचे थे क्योंकि आज तमाम तरह की तस्वीरें हैं मतदान केंद्रों पर सामने आ रही है और इनसे अभी जाना, तो जो जेजेपी पार्टी की जितनी भी महिला विंग की टीम है वो सभी बूथों पर है और महिला जो कैंडिडेट है हालांकि उनको पुलिस प्रशासन ने धमकाया जिसको लेकर वे भावुक हुई, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जिसका जायजा लेने के लिए अभी यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है जेजेपी पार्टी के वो पहुंचे, आखिर पुलिस प्रशासन से बातचीत की तो पुलिस ने अपना जो नरम रवैया अब अपना लिया, हालांकि वो पहले थोड़ा रवैया जो अपना अड़ियल रवैया ले हुए बातचीत कर रहे थे वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, पहले का रवैया क्या था और यहाँ के जिलाध्यक्ष के पहुंचने के बाद का रवैया पुलिस का किस तरह के सामने आया।